हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। उधर पिरथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता था कि उनके पल्ले में कुछ नहीं है और यह भी पता था कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरेगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस को इतना सब पता था तो सदन में ढोंग करने की क्या जरूरत थी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जनता को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जनता का विश्वास कांग्रेस से उठता जा रहा है। कृषि कानूनों को किसानों के हित में होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि इन कानूनों से कृषि का तेजी से विकास होगा। देखिए, होना क्या था, जो हुआ है वही होना था, और ये तो विपक्ष के साथियों को पता था कि उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। और 30-32 एमएलए, 55-56 एमएलए के सामने अविश्वास मत लेके आ रहे हैं, कोई सिस्टम हो, कोई पता हो उन्हें, और खुद जानते थे। उन्होंने विधानसभा में जाने के बाद भी कहा कि हम अविश्वास मत ले तो आए हैं, लेकिन ये प्रस्ताव हमें पता है कि जीतोगे आप ही। जब ये पता है कि जीतेगी सरकार ही, तो इस चीज को लाने के लिए ये ढोंग करने की शायद मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं थी। तो इन्होंने ये एक बेवजह इस हरियाणा के प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता को जो बरगलाने का काम किया है, इससे जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। और इस प्रकार से इनकी जो विश्वसनीयता है वो और जनता में खत्म हुई है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ पूरा मैंडेट है और पूरा 5 साल माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश की सेवा करेंगे। पक्ष के जो नेता हैं माननीय भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी मान लिया कि ये कानून वापस नहीं ले जा सकते, इनमें संशोधन हो सकता है। जब ये जानते हैं कि इनमें केवल संशोधन हो सकता है, क्योंकि जब पहले इनकी सरकार थी तो भूपेंद्र हुड्डा जी इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पक्ष में थे, वो एक बिल लेके आए थे, लेकिन आज वो सदन में अपने ही बिल पे जो ना मुकर गए हैं। तो वो इस सारी चीजों को जानते हैं, वो उन्होंने इस चीज का ज्ञान है कि ये केवल इनमें संशोधन किया जा सकता है। ये बिल सरकार के साथ साथ किसानों के पक्ष में है।